दोस्तों सेविंग बिकनी बॉटम नाम की ये एक सीरीज हमें देखने को यानी एक तरह से मूवी हमें देखने को मिलने वाली है इस फ्रेंचाइजी के अंदर दोस्तों ये जो फ्रेंचाइजी पर बेस्ड के कार्टून कई मूवीज पे आ चुके हैं और इसकी एक तरह से नए टाइटल की ये मूवी हमें देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स पर तो पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको बताऊंगा प्री प्रोडक्शन से लेकर रिलीजिंग कास्टिंग सभी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी एक आगामी अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो स्टीफन हिलनबर्ग द्वारा निर्मित एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला बॉब स्क्वायर पेंस पर आधारित है लीजा जॉनसन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रृंखला के नियमित वॉयस कास्ट है और इसमें जॉनी नॉक्सविले क्रेग रॉबिन्सन ग्रे डेलिसले इलिया इसोरेलिस पॉलिनोज मैटी कार्डारोपल और वांडा साइक्स द्वारा निभाए गए नए किरदार लाइव एक्शन और एनिमेटेड डोनोम शामिल है कहानी सैंडी और स्पंजबॉब पर आधारित है जो बिकिनी बॉटम को एक बुरे सीईओ के हाथों से बचाने के लिए सैंडी के राज्य टेक्सास जाते हैं यह स्पंजबॉब कैरेक्टर स्पिन फिल्मों की श्रृंखला की पहली फिल्म है फिल्म की पटकथा टॉम स्टर्न और काज ने लिखी थी जिनमें से काज ने कहानी भी लिखी थी इसे पहली बार द स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन द रन 2020 के लिए विचारों के लिए पिचिंग सत्र के दौरान कल्पना की गई थी मार्च 2020 में वायाकॉम सीबीएस ने घोषणा की कि वह स्ट्रीमिंग टेलीविज़न के लिए स्पंजबॉब स्पिन फिल्मों का निर्माण करेगा मई 2021 में सैंडी के किरदार को मुख्य भूमिका में दिखाने वाली एक स्पिन फिल्म की घोषणा की गई जिसमें जॉनसन काज और स्टर्न सभी शामिल थे एनिमेशन सेवाए ओंटारियो कनाडा में पाइपलाइन स्टूडियो द्वारा प्रदान की गईं और मोनिकर ने मूल स्कोर तैयार किया रिलीज से पहले पूरी फिल्म 21 जनवरी 2024 को एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड के रूप में लीक हो गई थी सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी 2 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है आधार जब बिकिनी बॉटम को अचानक समुद्र से बाहर निकाला जाता है तो सैंडी चीक्स और स्पंजबब स्क्वेयर पेंस सैंडी के राज्य टेक्सास की यात्रा करते हैं जहां वे सैंडी के परिवार से मिलते हैं और उन्हें बिकिनी बॉटम को एक दुष्ट सीईओ के हाथों से बचाना होता है वन रालना मुख्य लेख स्पंजबब स्क्वेयर पैंस पात्रों की सूची कैरोलिन लॉरेंस सैंडी चीक्स के रूप में दो टॉम केनीस पंजबॉब स्क्वेयर पैंसर के रूप में दो क्लेंसी ब्राउन मिस्टर क्रेब्स के रूप में दो पैट्रिक स्टार के रूप में बिल फागेरबके दो रॉजर स्क्विडवर्ड टेंटेकल्स के रूप में दो श्री लॉरेंस फ्लैंकटन के रूप में दो जॉनी नॉक्सविले रेंडी चीक्स के रूप में दो क्रेग रॉबिंसन पाचीक्स के रूप में दो ग्रेट एलिसले चीक्स ग्रैनी चीक्स राउडी चीक्स और रोजी चीक्स के रूप में दो फोएबे के रूप में इलिया इसोरेलिस पोलिनो दो मेटी कार्डारोप्ले काइल के रूप में दो वांडा साइक सुनामी के रूप में दो उत्पादन संकल्पना और विकास कार्यकारी निर्माता मार्क सेकेरेली ने द स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन द रन 2020 के लिए विचारों को पेश करने के एक सत्र के दौरान सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी की पेशकश की विचार पारित हो गया लेकिन कुछ साल बाद जब टीम सैंडी चीक्स केंद्रित कहानी करना चाहती थी तो वह इसे वापस लाया और इसे विकास में डाल दिया गया तीन निर्देशक लीजा जॉनसन एनिमेशन की दुनिया में एक नवागंतुक थीं उन्हें वी डू इन द शैडोज के सीजन दो एपिसोड द कर्स में उनके काम के कारण फिल्म का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था जिसमें श्रृंखला में सेकेरेली का पसंदीदा मज़ाक था तीन सैंडी की आवाज़ अभिनेता कैरोलिन लॉरेंस ने काम पर सैंडी से संबंधित एक प्रोजेक्ट के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी मार्च 2020 में यह बताया गया कि वाइक सीबीएस नेटफ्लिक्स के लिए स्पंजबॉब स्क्वायर पेंसिल श्रृंखला पर आधारित दो स्पिन फिल्मों का निर्माण करेगा चार मई 2021 में सैंडी के साथ एक स्पिन फिल्म को मुख्य किरदार के रूप में निकेलोडियन से स्ट्रीमिंग टेलीविजन के लिए विकास में होने की घोषणा की गई थी जिसे जॉनसन द्वारा निर्देशित किया जाएगा और काज और टॉम जेस्टर्न द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट से इसे एक हाइब्रिड फीचर के रूप में वर्णित किया जाएगा जो एनिमेटेड शीर्षक चरित्र को लाइव एक्शन सेटिंग में डाल देगा पांच अगस्त 2021 में यह पता चला कि स्क्रिप्ट के पुनर्लेखन के कारण लॉस एलामोस में सेविंग बिकिनी बॉटम को फिल्माने की योजना को रद्द कर दिया गया था सात, ग्रेग गार्डिनर ने इसके लाइव एक्शन दृश्यों के लिए फ़िल्म के छायाकार के रूप में काम किया आ फ़रवरी 2022 में एक निवेशक कॉल के दौरान निक्लोडियन के सीईओ ब्रायन रॉबिन्स ने कहा कि तीन स्पंजबॉब चरित्रचालित स्पिन फिल्मों पर काम चल रहा था और वे विशेष रूप से स्ट्रीमर पैरामाउंट प्लस पर रिलीज होंगे जिसका पहला प्रीमियर 2023 में होगा नौ हालांकि अप्रैल 2023 में यह बताया गया कि सेविंग बिकिनी बॉटम 2024 में नेटफ्लिक्स पर डेब्यू करेगी एक उसी महीने फर्स्ट लुक रिवील के अलावा यह पता चला था कि वांडा साइक्स जॉनी नॉक्सविले क्रेग रॉबिन्सन ग्रे डेलिसले इलिया इसोरेलिस पॉलिनो और मैटी कार्डारोपल कलाकारों का हिस्सा थे सीरीज के नियमित कलाकार कैरोलिन लॉरेंस टॉम केनी क्लेंसी ब्राउन बिल के, मिस्टर लॉरेंस और रॉजर बम्पास को भी उनकी भूमिकाओं को फिर से निभाने की पुष्टि की गई एस एनिमेशन और संगीत फिल्म को कनाडा के ओंटारियो में पाइपलाइन स्टूडियो द्वारा एनिमेटेड किया गया था दो जॉनसन ने पूरी फिल्म की स्टोरी बोर्डिंग पर काम शुरू कर दिया और एनिमेशन सुपरवाइज़र पियरो पिलुसो के साथ मिलकर लाइव एक्शन और एनिमेशन के मिश्रण के लिए एक एकीकृत रूप तैयार किया एनिमेशन के लिए एक नवागंतुक के रूप में जॉनसन को लगा कि यह प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए सीखने का अनुभव था तीन नई एनिमेशन शैली कहानी की आवश्यकताओं और तकनीकी और बजट सीमाओं का संयोजन यह तय करने में कारक थे कि दृश्य कैसे दिखेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोगों को प्रत्येक चरित्र से प्यार और परवाह करने वाली हर चीज अभी भी मौजूद है भले ही हम इसे नई परिस्थितियों में कर रहे हों तीन मोनिकर ने इसका मूल स्कोर तैयार किया एलेवन मुक्त करना रिलीज से पहले पूरी फ़िल्म 21 जनवरी 2024 को एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड के रूप में लीक हो गई थी बारह सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी 2 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है लिजा जॉनसन, जन्म 13 दिसंबर 1970, एक अमेरिकी फ़िल्म निर्देशक निर्माता और लेखिका है वन जीगनी जॉनसन का जन्म 1970 में ओहियो के पोर्ट समाउथ में हुआ था उन्होंने मैसाचुसेट्स के विलियम्स में विलियम्स कॉलेज में पढ़ाई की और उन्नीस में विजुअल आर्ट्स में बीए की डिग्री हासिल की उद्धरण वांछित इसके बाद वह सैन डिएगो के कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय गईं जहां उन्होंने उन्नीस सौ पंचानवे में एमएफए प्राप्त किया उद्धरण वांछित उनकी कथात्मक लघु फिल्में और प्रयोगात्मक वीडियो बर्लिन रोटरडैम और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय समारोहों और ललित कला स्थलों में प्रदर्शित किए गए हैं उद्धरण वांछित उनके वीडियो इंस्टॉलेशन न्यूयॉर्क में आर्टिस्ट स्पेस फिलाडेल्फिया में आईसीए रोटरडैम में सिनेबर्सा और मैसाचुसेट्स में मास एमओसीए और डब्ल्यूसीएमए में दिखाए गए हैं उद्धरण वांछित उन्होंने कला और फिल्म पर आलोचनात्मक लेखन भी प्रकाशित किया है और कई संग्रहालय प्रदर्शनियों और उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया है लघु फिल्मों के अपने संग्रह के साथ जॉनसन ने चार फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है जिनमें रिटर्न 2011, हजार ग्यारह हिटशिप लवशिप दो और एल्विस एंड निक्सन 2016 शामिल है छो फिल्मोग्राफी लघु फिल्म गिफ्ट रैप उन्नीस सौ अट्ठानवे फॉलिंग अर्लिंग्स डेट मोटल, दो हजार पांच साउथ ऑफ टेन दो हजार छह लघु वृत्तचित्र हवा में दो हजार नौ करबिंग लो टायर टर्निंग दो हजार बारह फीचर फिल्म फ्रिनेवेड होमसिक के विपरीत दो हजार रिटर्न दो हजार ग्यारह लव शेप, टू थाउजेंड थर्टीन एल्विस और निक्सन दो हजार सोलह सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी 2024 हजार चौबीस टेलीविजन वर्ष शीर्षक टिप्पणियाँ दो हजार पन्द्रह गुड गर्ल्स रिवोल्ट एपिसोड पायलट 2017 हजार सत्रह झगड़ा एपिसोड अधिक या कम अमेरिकी डरावनी कहानी एपिसोड अंधेरे से मत डरो 2018 अमेरिकी महिला एपिसोड द वेव 2019 अनोखी घटनाओं की एक सीरीज दो एपिसोड बैरी एपिसोड क्या स्नीकी पीट एपिसोड द मास्क ड्रॉप सिलिकॉन वैली दो एपिसोड 2020 हम छाया में क्या करते हैं एपिसोड द कर्स मेरे लिए मृत दो एपिसोड 2021 भौतिक तीन एपिसोड कॉलेज की लड़कियों का सेक्स जीवन एपिसोड सत्य 2023 हम में से अंतिम एपिसोड पीछे छोड़ दिया राजनेक दो एपिसोड संदर्भ लिजा जॉनसन बायोग्राफी टर्नर क्लासिक मूवीज 28 अप्रैल 2016 को लिया गया लिजा जॉनसन ऑल मूवी पर टॉम स्टर्न एक अमेरिकी अभिनेता निर्देशक लेखक और निर्माता है शिखा स्टर्न न्यूयॉर्क के प्लीजेंटविले में पलेब्रे और उन्होंने न्यूयॉर्क के अरमोंक में बायरम हिल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर एक से सत्तासी तक न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय एनवायू के टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में फ़िल्म स्कूल गए उद्धरण वांछित जहां उनकी मुलाक़ात एलेक्स विंटर से हुई एक दोनों ने कई लघु फिल्मों में साथ काम किया जिनमें स्क्वील ऑफ डेथ भी शामिल है एक जिसे उन्नीस में कोलंबिया पिक्चर्स के एक कार्यकारी ने देखा था स्नातक होने के बाद यह जोड़ी हॉलीवुड गई और इम्पैक्ट वीडियो पत्रिका का निर्देशन किया जिसमें बिल हिक्स सर्वाइवल रिसर्च लैब्स पब्लिक एनिमी रॉबर्ट विलियम्स जेन्स एडिक्शन जैसे कलाकार और कलाकार शामिल है और बत्थोर सर्फर के साथ एक और लघु फिल्म है हॉलीवुड 1987 में स्टर्न और विंटर हॉलीवुड गए और सैम रेमी को स्क्वील ऑफ डेथ की एक कॉपी भेजी जिनकी फिल्म एविल डेड दो उनके लिए प्रेरणा थी रेमी ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी उन्होंने और उनके साथी रॉब टेपर्ट ने स्टर्न और विंटर से एक एंथोलॉजी कॉमेडी फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट का विकल्प चुना उद्धरण की आवश्यकता इसके बाद इस जोड़ी ने रेड हॉट चिली पेपर्स और आइस क्यूब जैसे बैंड के लिए कई लघु फिल्मों और संगीत वीडियो पर काम किया उद्धरण की आवश्यकता स्टर्न और विंटर ने द इडियट बॉक्स पर लेखक टिम बर्न्स के साथ मिलकर काम किया दो स्टर्न और विंटर ने सह अभिनय और सहनिर्देशन भी किया वन थ्रे द इडियट बॉक्स के तुरंत बाद स्टर्न विंटर और बर्न्स ने उन्नीस सौ तिरानवे की फिल्म फ्रीक्र का सहलेखन किया जिसमें स्टर्न और विंटर सहनिर्देशक भी थे फ्रीक्ट में विंटर रैंडी क्वेड, कीनू रीव्स बॉबकेट गोल्डट्वेट और मिस्टर टी ने अभिनय किया था दो इस फिल्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की और 2013 में अपनी रिलीज की बीसवीं सालगिरह के उपलक्ष्य में लॉस एंजल्स में सिनेफैमिली में इसे दिखाया गया फॉर स्टर्न ने बर्ंस और एंथनी वालर के साथ मिलकर 1981 की फिल्म इन अमेरिकन वेयरवोल्फ इन लंदन की अगली कड़ी इन अमेरिकन वेयरवोल्फ इन पेरिस की पटकथा भी ली थी फाइव सेक्स स्टर्न और बर्न् ने द चिम्प चैनल पर भी सहयोग किया सेवन स्टर्न ने जिमी किमेल की, की प्रोडक्शन कंपनी जैकहोल प्रोडक्शंस के साथ जिमी किमेल लाइव उद्धरण वांछित द मैन शो में सेगमेंट डायरेक्टर के रूप में आठ और क्रैंक येंकर्स के साथ निर्देशक और पर्यवेक्षण निर्माता के रूप में काम किया है नौ इसके अलावा स्टर्न एक अभिनेता के रूप में दिखाई दिए और ट्रे पार्कर और मैपस्टोन की राष्ट्रपति पद की पैरोडी डेट्स माई बुश के लिए एक लेखक के रूप में काम किया दस सह कार्यकारी निर्माता के रूप में द एंडी मिलोन शो के लिए निर्देशक और लेखक के रूप में काम किया ग्यारह और कॉमेडी सेंट्रल ट्रैवल शो पेरोडी गेरहार्ड रिंकी के वांडरलस्ट के रचनाकारों और निर्माताओं में से एक थे स्टर्न हाल ही में एक लाइव एक्शन स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंसिल विशेष शीर्षक वाले स्पंजबॉब एप्रिसिएशन डे पैचीज बीच बैश के लेखक निर्देशक निर्माता थे जिसमें टॉम केनी जॉन हेडर रॉब रिगल मेघन ट्रेनर और एंथनी डेविस ने अभिनय किया था जिसका प्रीमियर चार जनवरी 2020 को निकलोडियन पर हुआ था स्टर्न हाल ही में दो नेटफ्लिक्स शो केविन हार्ट्स गाइड टू ब्लैक हिस्ट्री और द टॉयस डेट मेड असमे शोरनर निर्देशक भी थे उनकी लघु फिल्म एडम्स जिसका उन्होंने निर्माण निर्देशन और जॉर्ज सोंडर्स की कहानी पर रूपांतर किया में पैटन ओसवाल्ट और फ्रेड आर्मीसेन ने अभिनय किया है और हाल ही में होली शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का पुरस्कार जीता तेरह जहां जूरी में एंथनी रूसो और मैथ्यू मोडाइन शामिल थे फिल्मोग्राफी द टॉयज दैट मेड अस 2017। निर्देशक 15। केविन हार्टस गाइड टू ब्लैक हिस्ट्री 2017 हजार निर्देशक 16। ट्यूप्रोफर्स टू थाउजेंड 2015। हॉलीवुड हिलबिलीज दो कार्यकारी निर्माता अर्बन थार्जन 2012 कार्यकारी निर्माता जोशमो द फुल बाउंटी 2012 निर्देशक स्टीवी टीवी 2012 2013 निर्देशक सहकार्यकारी निर्माता मार्क सेव्स अमेरिका 2011 निर्देशक कार्यकारी निर्माता मरने के एक हजार तरीके 2010 पर्यवेक्षक निर्माता एलिगेटर बूथ्स 2008, निर्देशक हार्डन हाई 2007, लेखक निर्देशक कार्यकारी निर्माता जेसन जॉर्डन के साथ सहनिर्माता सॉल ऑफ द मोल मैन, दो लेखक, निर्देशक कार्यकारी निर्माता द एंडी मिलोनाकिस शो 2005, लेखक, निर्देशक कार्यकारी निर्माता गेरहार्ड रेनके की वांडरलस्ट 2003 लेखक, निर्देशक कार्यकारी निर्माता जिमी किमेल लाइव 2003 निर्देशक दैट्स माई बुश 2001 थाउजेंड वन द चिम्फ चैनल उन्नीस लेखक, निर्माता द मैन शो उन्नीस निर्देशक इन अमेरिकन वेयर वोल्फ इन पेरिस उन्नीस सौ सत्तानवे सहलेखक, फ्रीकर, उन्नीस सौ तिरानवे सहनिर्देशक अभिनेता द इियर बॉक्स, 1991, रेकॉक, आयनेता सहनिर्देशक, सनिर्देशक वीडियो संगीत बटहोल सर्फर्स चेरब सीबीजीबी में लाइव 12 फरवरी उन्नीस सौ छियासी रेड हॉट चिली पेपर्स टेस्ट द पेन उन्नीस सौ नब्बे एलेक्स विंटर द्वारा सहनिर्देशित आइस क्यूब हुज दैक उन्नीस सौ नब्बे एलेक्स विंटर द्वारा सहनिर्देशित ह्यूमन रेडियो मी एंड एल्विस उन्नीस सौ नब्बे एलेक्स विंटर द्वारा सहनिर्देशित एक्सट्रीम डेकेरेन्स डांस उन्नीस सौ नब्बे एलेक्स विंटर द्वारा सहनिर्देशित मर्लिन मैंसन डोप एट उन्नीस सौ पंचानवे स्पोर्क नेकेड इन्वेजन उन्नीस सौ छियानवे एन जय गोरबाजा ट्यू थाउजेंड एट काजीमियरस गेडिमिनस फ्रापुअले एक जन्म इकतीस जुलाई उन्नीस सौ उनसठ जिन्हें पेशेवर रूप से काज के नाम से जाना जाता है एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट एनिमेटर लेखक स्टोरीबोर्ड कलाकार और चित्रकार है उन्नीस सौ अस्सी के दशक में न्यूयॉर्क शहर के स्कूल ऑफ द विजुअल आर्ट्स में भाग लेने के बाद वे कॉमिक एंथोलॉजी रॉ और विर्डो में लगातार योगदान करता थे उन्नीस से उन्होंने अंडरवरेड नामक एक थीम वाली सिंडिकेटेड कॉमिक स्ट्रिप बनाई है जो कई वैकल्पिक साप्ताहिक पत्रिकाओं में दिखाई देती है आजीविका काज की कॉमिक्स और चित्र कई वैकल्पिक और मुख्य धारा के प्रकाशनों में छपे हैं जिनमें डिटेल्स द न्यू यॉर्कर निकलोडियन मैगजीन द विलेज बॉयस ईस्ट विलेज आई स्वैंक रो एक्लिप्स, एनवाई रॉकर न्यूयॉर्क प्रेस स्क्रू और ब्राइडल गाइड शामिल है उन्होंने जीरो जीरो जैसे कॉमिक संकलनों में योगदान देना जारी रखा है काज ने कई एनिमेटेड टेलीविजन शो पर भी काम किया है जिसमें स्पंजब स्क्वायर कैंप लाजलो और फिनिस एंड फ्रब शामिल है वे गेट ब्लैक के सहकार्यकारी निर्माता थे काज 2001 में सीरीज़ के तीसरे सीजन के निर्माण के दौरान स्टोरीबोर्ड निर्देशक और लेखक के रूप में स्पंजबॉब स्क्वायर पैंस में शामिल हुए और उन्हें सीएच ग्रीनब्लाट के साथ जोड़ा गया द स्पंजबॉब स्क्वायर पैंस मूवी पर उत्पादन शुरू होने के बाद श्रृंखला में विराम आ गया 2004 में चौथे सीजन पर उत्पादन शुरू होने से कुछ समय पहले काच को उनके सहयोगी और श्रृंखला के नवनियुक्त शोर्नर पॉल टिब्बित ने चौथे सीजन के लिए एक एपिसोड पर काम करने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन टिब्बित ने उनसे फिर कभी संपर्क नहीं किया और स्पंजबॉब छोड़ने के बाद वे कैंप लाजलो में शामिल हो गए दो फिनिस और फ्रिब का उत्पादन समाप्त होने के बाद काज 2015 में एक लेखक के रूप में स्पंजबॉब में लौट आए डेरेक ड्राइमन के साथ काज ने डिक्स स्टिलवागर के लिए पायलट एपिसोड का सहलेखन और स्टोरी बोर्डिंग की जिसे अंततः नहीं चुना गया सितंबर 2006 में काज ने अंडर के एक चरित्र पर आधारित कार्टून नेटवर्क शो जू टम्पस के लिए एक और पायलट पर काम करने के लिए लाजलो को छोड़ दिया तीन मिस्टर लॉरेंस के साथ उन्होंने एपिसोड स्पंजबॉब बिग बर्थडे ब्लोआउट लिखा और वर्तमान में पहले स्पंजबॉब ऑफ कैंप कोरल पर काम कर रहे हैं वह दूसरे ऑफ द पैट्रिक स्टार शो में एक लेखक और आउटलाइनर के रूप में भी काम करते हैं काध सैंडी चीक्स स्पिन ऑफ फिल्म सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी की पटकथा लिखेंगे जिसमें टॉम स्टर्न भी उनके साथ मिलकर फिल्म लिखेंगे व्यक्तिगत जीवन काज हॉलीवुड कैलिफोर्निया में अपनी पत्नी लिंडा मारोटा के साथ रहते हैं काज लिथुआनियाई मूल के हैं फॉर फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका 2001 से 2004 हजार चार दो शून्य एक पांच वर्तमान स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंट लेखक स्टोरीबोर्ड निर्देशक कहानी रूपरेखा एनिमेशन लेखक दो शून्य शून्य पांच शून्य आठ लेखक स्टोरीबोर्ड निर्देशक कहानी रूपरेखा 2006 हजार जूट रंपस निर्माता लेखक स्टोरीबोर्ड कलाकार पायलट 2007 डिक्स टेलवेगर सहलेखक एवं स्टोरीबोर्ड कलाकार पायलट 2009 से 2013 2015 हजार फिनीज और फर्ब लेखक एवं स्टोरीबोर्ड कलाकार 2012 गुप्त पर्वत किला विस्मयकारी प्रोप और प्रभाव डिजाइनर फनेस्ट्रो 2014 हजार चौदह ब्लेक को पकड़ो कार्यकारी निर्माता 2018 थोड़ा बड़ा कमाल लेखक दो एपिसोड दो शूने दो एक वर्तमान कैंप कोरल स्पोंचबॉब के अंडर ईयर्स डेवलपर मुख्य लेखक लेखक एनिमेशन लेखक थीम संगीत संगीतकार पैट्रिक स्टार शो निर्माता डेवलपर मुख्य लेखक लेखक एनिमेशन लेखक कहानी रूपरेखा पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका 2002 भगवान कार्टून से नफरत करते हैं काज की कॉमिक स्ट्रिप अंडर पर आधारित दो एनिमेटेड शॉर्ट के निर्माता 2004 हज़ार चार स्पंजब स्क्वेयर मूवी अवधारणा चरित्र डिजाइनर 2005 हज़ार पांच स्पंजब स्क्वेयर चार डी राइड लेखक दुल्हन की लाश अतिरिक्त स्टोरीबोर्ड कलाकार 2011 हज़ार ग्यारह फिनिस एंड फ्रबद मूवी अक्रॉस द सेकंड डायमेशन अतिरिक्त सामग्री अतिरिक्त स्टोरीबोर्ड स्टोरीबोर्ड कलाकार कैस के रूप में 2018 हजार अठारह स्कूबीडू और बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड कहानी 2019 हजार उन्नीस पंजबॉब का बड़ा जन्मदिन धमाका बीसवीं वर्षगांठ विशेष लेखक 2024 हजार चौबीस बिकिनी बॉटम बचाना द सैंडी चीक्स मूवी कहानी लेखक द्वारा जी बर्फ शीर्षक प्रकाशक ठिपनिया उन्नीस सौ सत्तानवे वॉल्यूम एक क्रूर और असामान्य कॉमिक्स फैंटाग्राफिक्स छपाई से बाहर उन्नीस सौ सत्तानवे अंडरवर्ल्ड वॉल्यूम दो नंगे बल्ब उन्नीस सौ सत्तानवे साइड अट्रैक सिटी और अन्य कहानियां उन्नीस सौ निन्यानवे अंडरवर्ल्ड वॉल्यूम तीन इंकपंक दो हजार दो अंडरवर्ल्ड वॉल्यूम चार डुह दो हजार चार अंडरवर्ल्ड वॉल्यूम पांच माई लिटिल फनी महीना शीर्षक मुद्दा कहानी प्रकाशक टिप्पणियां दिसंबर 2014 हज़ार चौदह स्पंजबॉब कॉमिक्स उनतालीस अपने भोजन से शिकायत यूनाइटेड फ्लैंकटन पिक्चर्स कहानी जनवरी 2015 हज़ार पन्द्रह चालीस लवेबल पिनअप कॉमिक अक्टूबर 2015 हज़ार उनचास राक्षस खाटी संदर्भ स्पंजबॉब स्क्वेयर पेन्सा एक अमेरिकी एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला है जो समुद्री विज्ञान शिक्षक और एनिमेटर स्टीफन हिलनबर्ग द्वारा बनाई गई जो पहली बार 1 मई 1999 को 1999 के किल्स च्वाइस अवार्ड्स के बाद निकलोडियन पर एक झलक के रूप में और 17 जुलाई 1999 को आधिकारिक रूप से प्रीमियर हुई थी यह पानी के नीचे के शहर बिकिनी बॉटम में शीर्षक चरित्र और उसके जलीय दोस्तों के कारनामों को दर्शाता है श्रृंखला को दुनिया भर में आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और अपने दूसरे सीजन तक इसे लोकप्रियता मिली 2019 तक यह श्रृंखला पांचवीं सबसे लंबे समय तक चलने वाली अमेरिकी एनिमेटेड श्रृंखला है इसकी लोकप्रियता ने इसे एक मल्टीमीडिया फ्रेंचाइजी उच्चतम रेटेड निकलोडियन श्रृंखला और पैरामाउंट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए सबसे अधिक लाभदायक बौद्धिक संपदा बना दिया श्रृंखला के कई विचार द इंटरटाइडल जोन से उत्पन्न हुए जो एक अप्रकाशित शैक्षिक कॉमिक बुक है जिसे हिलबर्ग ने उन्नीस में अपने छात्रों को पानी के नीचे के जीवन के बारे में सिखाने के लिए बनाया था पांच हिलबर्ग उन्नीस सौ बानवे में रॉकोज मॉडर्न लाइफ में एक कलाकार के रूप में निक्लोडियन में शामिल हुए छह, सौ में रॉको के रद्द होने के बाद उन्होंने उसी वर्ष स्पंजबब स्क्वायर पेंस को एक टेलीविजन श्रृंखला में विकसित करना शुरू किया और उन्नीस में निकलोडियन को सात मिनट का पायलट पेश किया गया नेटवर्क के अधिकारी चाहते थे कि स्पंजबॉब स्कूल में एक बच्चा बने लेकिन हिलबर्ग चाहते थे कि स्पंजबॉब एक वयस्क चरित्र हो साथ वह श्रृंखला को छोड़ने के लिए तैयार थे लेकिन एक बोटिंग स्कूल बनाकर समझौता किया ताकि स्पंज एक वयस के रूप में स्कूल जा सके आ, यह सीरीज कुल चौदह सीजन तक चली है और इसने तीन फीचर फिल्मों को प्रेरित किया है द स्पंजब स्क्वेयर पेंस मूवी दो स्पंज आउट ऑफ वाटर दो और स्पंज ऑन द रन 2020। दो स्पिन ऑफ सीरीज कैंप कोरल स्पंजबब्स अंडर ईयर्स और द पैट्रिक स्टार शो का प्रीमियर 2021 में हुआ फरवरी 2022 तक चार अतिरिक्त फिल्मों की योजना बनाई गई है पैरामाउंट प्लस और नेटफ्लिक्स के लिए तीन कैरेक्टर स्पिन-ऑफ फिल्में और एक नाटकीय स्पंजबॉब फिल्म मुत्स्य सीरीज के चौदहवें सीजन की घोषणा मार्च 2022 में की गई 9 और नवंबर 2023 में इसका प्रीमियर हुआ सितंबर 2023 में शो को पंद्रहवें सीज़न के लिए नवीनीकृत किया गया 10. स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंसन ने छह अवार्ड आठ गोल्डन रील अवार्ड चार एमी अवार्ड दो बाफ्टा चिल्ड्रन अवार्ड और रिकॉर्ड तोड़ इक्कीस किरस च्वाइस अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते हैं 2017 में इस श्रृंखला पर आधारित एक ब्रॉडवे म्यूजिकल को आलोचकों की प्रशंसा मिली ग्यारह इस श्रृंखला को जेनरेशन जेड के सांस्कृतिक टचस्टोन के रूप में भी जाना जाता है यह श्रृंखला शीर्षक चरित्र और उसके जलीय मित्रों के कलाकारों के इर्द गिर्द घूमती है स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंस एक ऊर्जावान और आशावादी पीला समुद्री स्पंज है जो पानी में डूबे अनानास में रहता है स्पंजबॉब में जीवन के प्रति एक बच्चे जैसा उत्साह है जो क्रस्टी क्रैब नामक एक फास्ट फूड रेस्तरां में फ्राई कुक के रूप में उसकी नौकरी में भी दिखाई देता है उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मिसेज पफ्स बोटिंग स्कूल से नाव चलाने का लाइसेंस प्राप्त करना है लेकिन वह कभी सफल नहीं होता उसके पसंदीदा शगल में जेलीफिशिंग शामिल है जिसमें तितली पकड़ने के समान तरीके से जाल से जेलीफिश पकड़ना और साबुन के बुलबुले को विस्तृत आकार में उड़ाना शामिल है उसके पास गुलाबी खोल और नीले शरीर वाला एक पालतू समुद्री गोंघा है जिसका नाम गैरी है जो बिल्ली की तरह म्याऊ करता है स्पंजबॉब से दो घर दूर रहता है उसका सबसे अच्छा दोस्त पैट्रिक स्टार एक मंदबुद्धि लेकिन मिलनसार गुलाबी स्टारफिश जो एक चट्टान के नीचे रहता है अपनी मानसिक असफलताओं के बावजूद पैट्रिक खुद को बुद्धिमान मानता है चौडा स्क्विडवर्ड स्पंजबॉब का पड़ोसी और क्रस्टी क्रैब में सहकर्मी एक घमंडी गुस्सेल ऑक्टोपस है, जो ईस्टर द्वीप मोई में रहता है उसे शहनाई बजाना और सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने में मजा आता है लेकिन कैशियर की अपनी नौकरी से नफ़रत है वह स्पंजबॉब और पैट्रिक के बीच उनके बचकाने स्वभाव के कारण रहना पसंद नहीं करता क्रस्टी क्रैब का मालिक मिस्टर क्रैब्स नाम का एक कंजूस लालची लाल केकड़ा है जो नाविक की तरह बात करता है और अपने रेस्तरा को ऐसे चलाता है जैसे कि वह एक समुद्री डाकू जहाज हो वह एक एकल माता पिता है पर्ल परिवार के व्यवसाय को जारी नहीं रखना चाहती है और वह अपना समय संगीत सुनने या स्थानीय शॉपिंग मॉल में काम करने में बिताना चाहती है पंद्रह स्पंजबॉब के दोस्तों में से एक सैंडी चीक्स है जो टेक्सास की एक रोमांच चाहने वाली और एथलेटिक गिलहरी है जो पानी के नीचे सांस लेने के लिए हवा से भरा डाइविंग सूट पहनती है सोलह वह एक पेड़ में रहती है जो एक स्पष्ट कांच के गुंबद में संलग्न है जो एक वायुरोधी हाथ से मुड़ी हुई सील से बंद है और कराटे में एक विशेषज्ञ है क्रस्टी क्रैब से सड़क के पार स्थित एक असफल प्रतिद्वंद्वी रेस्तरां है जिसे चुम बकेट कहा जाता है सत्रह इसे प्लैंकटन नामक एक छोटे हरे एक आंख वाले कोपॉड 18 और उसकी कंप्यूटर पत्नी करेन द्वारा चलाया जाता है उन्नीस फ्लैंकटन लगातार मिस्टर क्रैब्स के लोकप्रिय क्रैबी पैटी बर्गर के लिए गुप्त नुस्खा चुराने की कोशिश करता है ताकि ऊपरी हाथ हासिल किया जा सके और क्रस्टी क्रैब को व्यवसाय से बाहर रखा जा सके बीस करेन उसे सूत्र प्राप्त करने के लिए बुरी योजनाओं की आपूर्ति करता है लेकिन उनके प्रयास हमेशा विफल होते हैं और उनके रेस्तरां में शायद ही कोई ग्राहक होता है इक्कीस जब स्पंज क्रस्टी क्रैब में काम नहीं कर रहा होता है तो वह अक्सर मिसेज पफ से नौकायन की शिक्षा लेता है जो एक पागल लेकिन धैर्यवान पफरफिश है स्पंज मिसेस पफ का सबसे मेहनती छात्र 22. जब मिसेज पफ स्पंजबॉब के किसी क्रैश को सहती है या अन्यथा भयभीत होती है तो वह एक गेंद की तरह फूल जाती है 23. थ्री फ्रेंच नैरेटर नामक एक अदृश्य व्यक्ति अक्सर एपिसोड की शुरुआत करता है और इंटरटाइटल का वर्णन करता है जैसे कि श्रृंखला समुद्र के बारे में एक प्रकृति वृत्तचित्र हो उनकी भूमिका और बोलने का विशिष्ट तरीका समुद्र विज्ञानी जैक्स कूस्टो के संदर्भ है 24. श्रृंखला में आवर्ती अतिथि पात्र दिखाई देते हैं जिनमें शामिल है सेवानिवृत्त सुपरहीरो मरमेड मैन और बार्नकल बॉय जिन्हें स्पंजबॉब और पैट्रिक द्वारा पूजा जाता है एक समुद्री डाकू भूत जिसे फ्लाइंग डचमैन के रूप में जाना जाता है गुलेगून का मांसल जीवन रक्षक लैरी द लॉबस्टर और समुद्र के मरमेन देवता राजा नेपच्यून ऐसे कई प्रकार के पात्र भी हैं, जिन्हें आकस्मिक के रूप में जाना जाता है जो शो के लिए मुख्य पृष्ठभूमि पात्रों के रूप में काम करते हैं और लगभग हर एपिसोड में दिखाए जाते हैं उनमें से प्रत्येक को आकस्मिक के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसके बाद उनका दिया गया मॉडल नंबर होता है उनके नाम काम व्यक्तित्व रिश्ते आवाज उम्र और कभी कभी लिंग असंगत होते हैं और प्रत्येक एपिसोड से अलग होते हैं ऐसे 222 पात्र है उद्धरण की आवश्यकता शो के विशेष आमतौर पर आधे घंटे या एक घंटे लंबे एपिसोड पैची नामक एक लाइव एक्शन समुद्री डाकू और उसके पालतू तोते पोटी द्वारा होस्ट किए जाते हैं जिनके खंडों को एनिमेटेड कहानियों के साथ दोहरी कथा में प्रस्तुत किया जाता है पच्चीस पैची को एक काल्पनिक स्पंजबॉब फैन क्लब के अध्यक्ष के रूप में चित्रित किया गया है और उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा खुद स्पंजबॉब से मिलना है पॉटी को पैची के उत्साह का मजाक उड़ाना पसंद है और जब वह शो की मेजबानी करने की कोशिश करता है तो उसके लिए परेशानी खड़ी करता है बिकिनी बॉटम यहां पुनर्निर्देशित होता है अन्य उपयोगों के लिए बिकिनी बॉटम बहुविकल्पी देखें एक एटोल की नीले रंग की छवि बिकिनी एटोल प्रशांत महासागर में एक मूंगा चट्टान है टॉम केनी ने पुष्टि की कि बिकिनी बॉटम के काल्पनिक शहर का नाम बिकिनी एटोल के नाम पर रखा गया है श्रृंखला मुख्य रूप से बिकिनी बॉटम के बेंथिक पानी के नीचे के शहर में होती है जो बिकिनी एटोल के रूप में ज्ञात वास्तविक जीवन प्रवाल भित्तियों के नीचे प्रशांत महासागर में स्थित है छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस सी इसके नागरिक ज्यादातर बहुरंगी मछलिया है जो जहाज के फनल से बनी इमारतों में रहते हैं और परिवहन के साधन के रूप में बोट मोबाइल, कारों और नावों के समामेलन का उपयोग करते हैं बिकिनी बॉटम के भीतर आवर्ती स्थानों में स्पंजबब, पैट्रिक और स्क्विडवर्ड के पड़ोसी घर शामिल है दो प्रतिस्पर्धी रेस्तरान क्रस्टी क्रैब और चुम्बकेट मिसेस पफ का बोटिंग स्कूल जिसमें एक ड्राइविंग कोर्स और एक डूबा हुआ लाइन हाउस शामिल है ट्रीडोम एक ऑक्सीजन युक्त ग्लास संलग्नक जहां सैंडी रहता है शेडी शोल्स रेस्ट होम जेलीफिश फील्स। जब स्पंजबॉब क्रू ने श्रृंखला के पायलट एपिसोड का निर्माण शुरू किया तो उन्हें बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले स्टॉक लोकेशन को डिज़ाइन करने का काम सौंपा गया जहाँ क्रस्टी क्रैब और स्पंजबॉब के अनानास घर जैसे अधिकांश दृश्य होंगे इकतीस विचार यह था कि सब कुछ समुद्री रखा जाए इसलिए क्रू ने शो की सेटिंग बनाने के लिए बहुत सारी रस्सियां लकड़ी के तख्ते जहाज़ के पहिए जाल लंगर बॉयलर प्लेट और रिवेट्स का इस्तेमाल किया दृश्यों के बीच संक्रमण स्क्रीन को भरने वाले बुलबुले द्वारा चिह्नित किया जाता है साथ ही बहते पानी की आवाज भी होती है 31. श्रृंखला में मुख्य सेटिंग सामग्री के रूप में आसमान के फूल शामिल है इकतीस जब श्रृंखला के बैकग्राउंड डिजाइनर केनी पिठेंगर से पूछा गया कि वे क्या थे तो उन्होंने जवाब दिया वे एक तरह से बादलों की तरह काम करते हैं लेकिन चूंकि शो पानी के नीचे होता है इसलिए वे वास्तव में बादल नहीं है शो पर टिकी प्रभाव के कारण बैकग्राउंड पेंटर बहुत सारे पैटर्न का उपयोग करते हैं इकतीस पिटेंगर ने कहा कि आसमान के फूलों का उद्देश्य फूल प्रिंट हवाईयन शर्ट का रूप जगाना था वन उत्पादन विकास प्रारंभिक प्रेरणाएं कैलिफोर्निया के डाना पॉइंट स्थित महासागर संस्थान का हवाई चित्र स्पंजब स्क्वेयर पेंसिल बनाने से पहले स्टीफन हिलनबर्ग ने ओशन इंस्टीट्यूट डाना पॉइंट कैलिफ़ोर्निया में स्थित के आगंतुकों को समुद्री जीव विज्ञान पढ़ाया था श्रृंखला के निर्माता स्टीफन हिलनबर्ग को बचपन में ही समुद्र से लगाव हो गया था और उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी कलात्मक क्षमताओं का विकास करना शुरू कर दिया था हालांकि कुछ समय तक ये रुचियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं मछली खींचने का विचार उन्हें उबाऊ लगता था कॉलेज के दौरान हिलनबर्ग ने समुद्री जीव विज्ञान में प्रमुखता और कला में मामूली शिक्षा दोनों का पीछा किया उन्नीस में स्नातक होने के बाद वह कैलिफोर्निया के डाना पॉइंट में एक संगठन ओशन इंस्टीट्यूट में शामिल हो गए जो समुद्री विज्ञान और समुद्री इतिहास के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए समर्पित हिलनबर्ग जब वहां थे तो समुद्र के प्रति उनके प्रेम ने उनकी कलात्मकता को प्रभावित करना शुरू कर दिया उन्होंने स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंसिल के लिए एक पूर्ववर्ती बनाया द इंटरटाइडल जोन नामक एक कॉमिक बुक जिसका उपयोग संस्थान द्वारा ज्वार के पुल के जानवरों के जीवन के बारे में आने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए किया जाता था तैंतीस कॉमिक में विभिन्न मानवरूपी समुद्री जीवन रूपों को दिखाया गया था जिनमें से कई स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंस के पात्रों में विकसित होंगे चौंतीस हिलनबर्ग ने कॉमिक को पेशेवर रूप से प्रकाशित करने की कोशिश की लेकिन जिन कंपनियों को उन्होंने इसे भेजा उनमें से कोई भी इच्छुक नहीं थी 33 हिलनबर्ग के लिए एक बड़ी प्रेरणावेन का उन्नीस का एल्बम द मोलस्क था जिसमें समुद्री और पानी के नीचे की थीम थी हिलनबर्ग ने एल्बम के रिलीज होने के तुरंत बाद बैंड से संपर्क किया स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंस के लिए आधारभूत विचारों को समझाया और बैंड से एक गीत का अनुरोध भी किया जिसे उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संज्ञा पर भेजा यह गीत लूप दे लूप था जिसका उपयोग योर शूज अनटाइड एपिसोड में किया गया था 35, 36, 37, सेवन ओशन इंस्टीट्यूट में एक स्टाफ कलाकार के रूप में काम करते हुए हिलेनबर्ग ने कला में मास्टर डिग्री के लिए अंत कॉलेज लौटने की योजना बनाई इससे पहले कि यह साकार हो सके उन्होंने एक एनिमेशन महोत्सव में भाग लिया जिसने उन्हें पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव करने के लिए प्रेरित किया एक पारंपरिक कला कार्यक्रम के साथ अपनी शिक्षा जारी रखने के बजाय हिलेनबर्ग ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में प्रायोगिक एनिमेशन का अध्ययन करना चुना तैंतीस उनकी थीसिस फिल्म वर्महोल्स सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में है अड़तीस इसे कई महोत्सवों में दिखाया गया और इनमें से एक महोत्सव में हिलेनबर्ग की मुलाकात लोकप्रिय निक्लोडियन एनिमेटेड श्रृंखला रॉकोस मॉडर्न लाइफ के निर्माता जो मरे से हुई मरे फिल्म की शैली से प्रभावित हुए और उन्होंने हिलेनबर्ग को नौकरी की पेशकश की अड़तीस तीन नौ हिलेनबर्ग एक निर्देशक के रूप में श्रृंखला में शामिल हुए रॉकोस मॉडर्न लाइफ के लेखकों में से एक मार्टिन ओल्सन ने द इंटरटाइडल जोन पढ़ा और हिलेनबर्ग को इसी तरह की अवधारणा के साथ एक टेलीविजन श्रृंखला बनाने के लिए प्रोत्साहित किया उस समय हिलेनबर्ग ने अपनी खुद की श्रृंखला बनाने पर भी विचार नहीं किया था हालांकि उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्होंने कभी ऐसा किया तो यह सबसे अच्छा तरीका होगा तैंतीस अड़तीस इकतालीस उन्होंने कॉमिक के उद्घोषक बॉब द स्पंज सहित द इंटरटाइडल जोन के कुछ पात्रों को विकसित करना शुरू किया तैंतीस वह चाहते थे कि उनकी श्रृंखला उस समय के सबसे लोकप्रिय कार्टून से अलग हो जो उन्हें लगता था कि द रेन एंड स्टिम्पी शो जैसे दोस्त कॉमेडी के उदाहरण हैं नतीजतन हिलेनबर्ग ने एक मुख्य चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया सबसे अजीब समुद्री जीव जिसके बारे में वह सोच सकते थे 38 अड़तीस उनतालीस बयालीस नए चरित्र के व्यवहार को निर्धारित करने में हिलेनबर्ग ने मासूम बच्चों जैसी आकृतियों से प्रेरणा ली जो उन्हें पसंद थीं जैसे चार्ली चैपलिन लॉरेल और हार्डी जेरी लुइस और पीवी वी हरमन तैंतीस उनतालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस फिर उन्होंने रसोई के स्पंज के बाद चरित्र को मॉडलिंग करने पर विचार किया और महसूस किया कि यह विचार चरित्र के चौकोर व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाएगा तैंतीस अड़तीस उनतालीस पैट्रिक मिस्टर क्रैब्स पर्ला और स्क्विडवर्ड हिलनबर्ग द्वारा शो के लिए बनाए गए अगले पात्र थे 46. सेक्स श्रृंखला के केंद्रीय चरित्र को आवाज देने के लिए हिलबर्ग ने टॉम केनी की ओर रुख किया जिसका एनिमेशन में करियर हिलबर्ग के रॉकोज मॉडर्न लाइफ के साथ शुरू हुआ था चरित्र को और विकसित करने के लिए केनी के अपने व्यक्तित्व के तत्वों को नियोजित किया गया था सैतालीस शुरुआत में हिलबर्ग स्पंजबॉय नाम का उपयोग करना चाहते थे चरित्र का कोई अंतिम नाम नहीं था और श्रृंखला का नाम स्पंजबॉय अहोय रखा जाना था बयालीस सैतालीस हालांकि निक्लोडियन के कानूनी विभाग ने पाया मूल सात मिनट के पायलट एपिसोड के लिए आवाज अभिनय पूरा होने के बाद कि स्पंजबॉय नाम पहले से ही कॉपीराइट था अड़तालीस सैतालीस प्रतिस्थापन नाम चुनने में हिलबर्ग को लगा कि उन्हें अभी भी स्पंज शब्द का उपयोग करना होगा जेनिंग्स ने स्पंजबॉब की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इक्यावन केनी ने उन्हें स्पंजबॉब के शुरुआती ग्राफिक्स मेंटरों में से एक कहा है पैतालीस सप्ताहांत पर केनी रचनात्मक सत्रों के लिए हिलनबर्ग जेनिंग्स और ड्राइमोन के साथ शामिल हुए जहाँ उन्होंने टेप रिकॉर्डर पर विचारों को रिकॉर्ड किया पैंतालीस केनी ने इन सत्रों के दौरान स्पंजबॉब के रूप में ऑडियो परीक्षण किए जबकि हिलनबर्ग ने अन्य पात्रों की आवाज में अभिनय किया 42, फोर्टी फाइव हिल ने कई पहले सीजन एपिसोड पायलट सहित के लिए स्क्रिप्ट का योगदान दिया बावन तिरपन चैवन, पचपन और उन्हें कहानी संपादक की भूमिका की पेशकश की गई लेकिन उन्होंने इसे खुकरा दिया वे एक पारिवारिक फिल्म निर्देशक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़े छप्पन सत्तावन उनकी जगह पीट बर्न्स को नौकरी के लिए लाया गया बर्न्स शिकागो से थे और टीम में शामिल होने से पहले स्पंजबॉब के किसी भी प्रमुख खिलाड़ी से कभी नहीं मिले थे 44, पिचिंग निकेलोडियन के अधिकारी बरबैंक के लिए उड़ान भरकर आए और हमने स्टोरी बोर्ड से उन्हें यह पिच दी हमारे पास क्वीज़ी खिलौने थे हमने हवाईयन शर्ट पहनी थी और टिनी टिम का गाना लिव इन द सनलाइन इन इन द मूनलाइट बजाने के लिए बूम बॉक्स का इस्तेमाल किया जो तीसरे एक्ट में आता है हमने वास्तव में उस पिच में पूरी ताकत लगाई क्योंकि हम जानते थे कि अगर अधिकारी हंसे तो पायलट जिंदा रहेगा या मर जाएगा जब यह खत्म हो गया तो वे इस पर चर्चा करने के लिए कमरे से बाहर चले गए हमने सोचा कि वे न्यूयॉर्क वापस उठ जाएंगे और हम कुछ हफ्तों में सुनेंगे हमें आश्चर्य हुआ जब वे कुछ ही मिनटों में वापस आ गए और कहा कि वे इसे बनाना चाहते हैं डेरेक ड्राइमन, चवालीस निकेलोडियन के अधिकारियों को कार्टून पेश करते समय हिलनबर्ग ने एक हवाईयन शर्ट पहनी साथ में पात्रों के मॉडल के साथ एक पानी के नीचे का टेरारियम लाया और थीम सेप करने के लिए हवाईयन संगीत बजाया सेटअप को निकेलोडियन के कार्यकारी एरिक कोलमेन ने काफी अद्भुत बताया अड़तीस उन्हें पायलट एपिसोड हेल्प वांटेड लिखने के लिए पैसे और दो सप्ताह दिए गए थे अड़तीस ड्रायमन हिलनबर्ग और जेनिंग्स निकेलोडियन के अधिकारी एलबी हेज द्वारा वर्णित एक प्रदर्शन के साथ लौटे जो वह चाहते थे कि ठेप पर हो अड़तीस हालांकि कार्यकारी निर्माता डेरेक ड्रायमन ने पिच को तनावपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा रहा फे एक साक्षात्कार में निकेलोडियन के तत्कालीन अध्यक्ष साइमा जरगामी ने कहा उनकी निकेलोडियन अधिकारियों की तत्काल प्रतिक्रिया इसे फिर से देखने की थी क्योंकि उन्हें यह पसंद आया और यह कुछ ऐसा नहीं था जो उन्होंने पहले कभी देखा था अट्ठावन जब स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंस को पहली बार प्रदर्शित किया गया था तब जरगामी कमरे में मौजूद चार अधिकारियों में से एक थे फिफ्टी एट पूर्ण श्रृंखला शुरू करने से पहले निक्लोडियन के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह तब तक लोकप्रिय नहीं होगा जब तक कि स्पंजबॉब एक बच्चा न हो जो स्कूल जाता हो जिसमें उसका शिक्षक मुख्य पात्र हो साथ हिलनबर्ग ने 2012 में याद किया कि निक्लोडियन ने उनसे कहा था हमारा जीतने वाला फॉर्मूला स्कूल में बच्चों के बारे में एनिमेशन है हम चाहते हैं कि आप स्पंजबॉब को स्कूल में रखें तैंतीस हिलनबर्ग निक्लोडियन से बाहर निकलने और श्रृंखला को छोड़ने के लिए तैयार थे क्योंकि वह चाहते थे कि स्पंजबॉब एक वयस्क चरित्र हो तैंतीस उन्होंने अंत मुख्य कलाकारों में एक नया चरित्र जोड़कर समझौता किया श्रीमती पफ जो एक नाव चलाने वाली शिक्षिका है हिलनबर्ग समझौते से खुश थे और उन्होंने कहा मेरे लिए एक सकारात्मक बात यह थी कि इससे एक नया चरित्र श्रीमती पफ, जो मुझे पसंद है आया 33. कार्यकारी निर्माता और शो स्टीफ़न हिलनबर्ग की तस्वीर जिसमें वे स्पंजब स्क्वेयर पैंस नामक पुस्तक पकड़े खड़े हैं और अपनी दाइंग ओर देख रहे हैं स्टीफन हिलेनबर्ग स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंस के निर्माता 2018 में अपनी मृत्यु तक हिलनबर्ग ने श्रृंखला के पूरे इतिहास में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया था और उन्नीस में इसकी शुरुआत से लेकर दो तक इसके शोरूनर के रूप में काम किया 2002 में श्रृंखला में विराम लग गया जब हिलनबर्ग ने फीचर फिल्म द स्पंजबॉब स्क्वायर पेंसम मूवी पर काम करने के लिए शो पर ही उत्पादन रोक दिया अड़तालीस एक बार जब फ़िल्म को अंतिम रूप दिया गया और तीसरा सीजन समाप्त हो गया तो हिलनबर्ग ने श्रृंखला के शोरूनर के रूप में इस्तीफ़ा दे दिया हालांकि अब उनकी श्रृंखला के निर्माण में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी उन्होंने एक सलाहकार की भूमिका बनाए रखी और प्रत्येक एपिसोड की समीक्षा की 58, 59 यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां मुझे लगा कि मैंने बहुत योगदान दिया है और जो मैं कहना चाहता था वह कह दिया है उस समय शो को नए खून की जरूरत थी और इसलिए मैंने पॉल टिबिट को प्रोड्यूस करने के लिए चुना मुझे उन पर पूरा भरोसा था मुझे हमेशा से ही यह पसंद आया कि उन्होंने स्पंजबॉब के किरदार के हासे को किस तरह से पेश किया और एक लेखक के तौर पर आपको आगे बढ़ना होता है मैं नए प्रोजेक्ट विकसित कर रहा हूं स्टीफन हियनबर्ग डॉशिवर इन पोस्ट 60। जब फिल्म पूरी हो गई तो हिलनबर्ग ने इसे श्रृंखला का समापन बनाने का इरादा किया ताकि शो शार्क को नकूदे हालांकि निक्लोडियन अधिक एपिसोड चाहता था इकसठ हिलनबर्ग ने पॉल टिबिट को नियुक्त किया जिन्होंने पहले शो में एक लेखक निर्देशक और स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में काम किया था ताकि अतिरिक्त सीजन का निर्माण करने के लिए शोरनर के रूप में उनकी भूमिका को संभाला जा सके बासठ हिलनबर्ग ने टिबिट को शो के चालक दल के अपने पसंदीदा सदस्यों में से एक माना तिरसठ और पूरी तरह से उन पर भरोसा किया साठ तेरह दिसंबर 2014 को यह घोषणा की गई कि हिलनबर्ग अनिर्दिष्ट स्थिति में श्रृंखला में वापस आएंगे चौंसठ, छब्बीस नवंबर 2018 को सत्तावन वर्ष की आयु में हिलनबर्ग की मृत्यु एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एएलएस की जटिलताओं से हुई जिसका उन्हें मार्च 2017 में निदान किया गया था फैंसठ छियासठ निक्लोडियन ने ट्विटर के माध्यम से पुष्टि की कि उनकी मृत्यु के बाद श्रृंखला जारी रहेगी सरसंट फरवरी 2019 में आने वाले अध्यक्ष ब्रायन रॉबिन्स ने कसम खाई कि जब तक नेटवर्क मौजूद है निक्लोडियन शो का उत्पादन जारी रखेगा असर, नैविन सीजन से पूर्व लेखक और स्टोरी बोर्ड निर्देशक विंसेंट वालर और मार्क सेकेरेली शो रनर के रूप में काम कर रहे हैं लिखना लेखक और स्टोरीबोर्ड कलाकार ल्यूक ब्रुकशायर के अनुसार स्पंजबॉब कई टेलीविज़न शो से अलग तरीके से लिखा गया है उनहत्तर अपने अधिकांश समकालीनों के विपरीत स्पंजबॉब स्क्वायर पेंसिल लिखित स्क्रिप्ट का उपयोग नहीं करता है उनहत्तर सत्तर इसके बजाय स्टोरीलाइन को पांच रूपरेखा और आधार लेखकों की एक टीम द्वारा विकसित किया जाता है फिर दोप्रिषा की रूपरेखा स्टोरीबोर्ड निर्देशकों की एक टीम को सौंपी जाती है जो स्टोरीबोर्ड का पूरा मसौदा तैयार करते हैं स्टोरीबोर्ड को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक पोस्टेड नोट्स का उपयोग करना था इस चरण के दौरान अधिकांश संवाद और चुटकुले जोड़े जाते हैं अड़तालीस और उनहत्तर ब्रुकशायर ने इस प्रक्रिया की तुलना एनिमेशन के शुरुआती दिनों में कार्टून बनाने के तरीके से की है 69. स्टोरीबोर्ड के लिए स्क्रिप्ट से बचने का निर्णय हिलनबर्ग ने श्रृंखला के विकास के शुरुआती दौर में किया था 48. रॉकोज मॉडर्न लाइव ने भी छोटी रूपरेखाओं से प्राप्त स्टोरीबोर्डिंग का उपयोग किया था और उस श्रृंखला पर काम करने के बाद हिलनबर्ग ने स्पंजब स्क्वेयर पेंस के लिए प्रक्रिया को अपनाने के बारे में दृढ़ता से महसूस किया भले ही निकलोडियन स्क्रिप्ट संचालित कार्टूनों के लिए अधिक प्राथमिकता दिखाना शुरू कर रहा था चवालीस इकहत्तर एक अन्य श्रृंखला की लेखिका मेरीवर्थ विलियम्स ने एक साक्षात्कार में बताया कि वह और मिस्टर लॉरेंस एक एपिसोड के लिए दोपहर में एक मसौदा लिखेंगे और शाम चार बजे तक काम पूरा कर लेंगे लेखन स्टाफ ने अक्सर श्रृंखला के एपिसोड की कहानियों के लिए प्रेरणा के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया चवालीस साठ उदाहरण के लिए एपिसोड सेलर माउथ जहां स्पंज और पैट्रिक अपवित्रता सीखते हैं साठ रचनात्मक निर्देशक डेरेक ड्रायमन के एक बच्चे के रूप में अपनी मां के सामने एक शब्द का इस्तेमाल करने के कारण परेशानी में पड़ने के अनुभव से प्रेरित था चवालीस ड्रायमन ने कहा वह दृश्य जहां पैट्रिक मिस्टर क्रैब्स के पास गपशप करने के लिए दौड़ रहा है और स्पंज उसका पीछा कर रहा है काफी हद तक वैसा ही है जैसा वास्तविक जीवन में हुआ था चवालीस एपिसोड का अंत जब मिस्टर क्रैब स्पंज और पैट्रिक की तुलना में और भी अधिक अपवित्रता का उपयोग करते हैं वह इस तथ्य से प्रेरित था कि मेरी ड्रायमन की मां का खुद एक नाविक मुंह है चवालीस साठ बेहतर हिलनबर्ग ने बताया ड्रायमोन के पास बचपन में एक गुप्त बॉक्स था और उसने हमें इसके बारे में बताना शुरू किया हम उसका मज़ाक उड़ाना चाहते थे और उसका इस्तेमाल करना चाहते थे सिक्सटे लगभग हर एपिसोड को दो ग्यारह मिनट के खंडों में विभाजित किया गया है हिलनबर्ग ने बताया न वास्तव में कभी भी जानबूझकर आधे घंटे का शो लिखने की कोशिश नहीं करना चाहता था साथ उन्होंने कहा मैंने शो को वहीं लिखा जहां वे सही लगे सिक्सटी आवाज अभिनेता अधिक जानकारी स्पंजब स्क्वेयर पैंस के कलाकारों की सूची और स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंस के अतिथि सितारों की सूची स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंस में टॉम केनी बिल के, रॉजर बम्पस क्लैसी ब्राउन मिस्टर लॉरेंस जिल टैली कैरोलिन लॉरेंस मैरी जो कैटलेट और लोरी एलन की आवाज़ें शामिल है अधिकांश एकल और पृष्ठभूमि पात्रों को डी ब्रैडली बेकर सिरेना इरविन बॉब जोल्स मार्क फाइट और थॉमस सेफ विल्सन द्वारा आवाज दी गई है स्टीव ने मुझे स्पंजबॉब के बारे में बताया कि वह बच्चों जैसा और भोला है वह पूरी तरह से वयस्क नहीं है, वह बिल्कुल बच्चा नहीं है। स्टैन लॉरेल जेरी लुइस जैसे बच्चे आदमी के बारे में सोचिए मंचकिन जैसा लेकिन बिल्कुल नहीं बच्चे जैसा लेकिन टीवी शो में चार्ली ब्राउन के बच्चे की आवाज़ में नहीं टॉम केनी पैंतालीस केनी ने स्पंजबॉब और कई अन्य पात्रों को आवाज़ दी है जिसमें स्पंजबॉब का पालतू घोंघा गैरी और फ्रांसीसी कथावाचक शामिल है वह अधिकांश विशेष एपिसोड के लाइव एक्शन थंडों में पैची द पायरेट को शारीरिक रूप से भी चित्रित करता है केनी ने पहले रॉकोज़ मॉडर्न लाइफ पर स्टीफन हिलेनबर्ग के साथ काम किया था जब हिलेनबर्ग ने स्पंजबॉब स्क्वायर पेन्स बनाया तो उन्होंने मुख्य किरदार को आवाज देने के लिए केनी से संपर्क किया तिहत्तर केनी ने मूल रूप से रॉको पर एक छोटे से किरदार के लिए स्पंजबॉब की आवाज़ का इस्तेमाल किया था सैंतालीस वह शुरू में भूल गया कि आवाज़ कैसे निभानी है और बाद में इसका इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था हालांकि हिलेनबर्ग ने केनी को आवाज़ की याद दिलाने के लिए एपिसोड की एक वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया सैतालीस पैंतालीस नेटवर्क ने अधिक अभिनेताओं के ऑडिशन पर जोर दिया लेकिन हिलनबर्ग ने उन्हें खुकरा दिया टॉम केनी के शब्दों में एक मजबूत निर्माता होने के फायदों में से एक यह है कि निर्माता कह सकता है नहीं मुझे वह पसंद है मुझे मशहूर हस्तियों की परवा नहीं है पैतालीस जब केनी स्पंजबॉब की आवाज विकसित कर रहे थे तो शो का कास्टिंग क्रू चाहता था कि उसके पास पोपे और वुडी वुडपेकर की परंपरा में एक अनोखी ऊंची आवाज़ वाली हंसी हो 74. फोर फेगर्बके ने पैट्रिक स्टार पचहत्तर और अन्य विविध पात्रों को आवाज दी है उसी समय जब हिलनबर्ग डेरेक ड्राइमन और टिम हिल पायलट हेल्प वांटेड लिख रहे थे हिलनबर्ग भी पात्रों के लिए आवाज़ खोजने के लिए ऑडिशन आयोजित कर रहे थे चवालीस केनी को कास्ट किए जाने के बाद फेगर्बके ने पैट्रिक की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया छिहत्तर फेगर्बके ने याद किया कि इस ऑडिशन के दौरान हिलनबर्ग ने वास्तव में मेरे लिए टॉम केनी के प्रदर्शन स्पंजबॉब के रूप में का एक हिस्सा बजाया था और वे एक प्रतिरूप की तलाश कर रहे थे छिहत्तर एक साक्षात्कार में फेगर्बके ने खुद की तुलना चरित्र से की और कहा यह बेहद संतुष्टिदायक है सतहत्तर जब भी पैट्रिक क्रोधित होता है के अमेरिकी अभिनेत्री शेली विंटर्स के बाद अपने प्रदर्शन को मॉडल करता है स्क्विडवर्ड uh. टेंटेकल्स को रॉजर बम्पास ने आवाज़ दी है जो उसे एक बहुत ही नाक से बोलने वाला नीरस किस्म का आदमी बताते हैं उन्होंने कहा कि यह किरदार अपने व्यंग्य और फिर अपनी हताशा और फिर अपने गुस्से के कारण एक बहुत ही दिलचस्प किरदार बन गया और इस तरह वह भावनाओं का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम बन गया उनासी आर्थर ब्राउन एवरीथिंग आई नीड टू नो आई लर्ड फ्रॉम कार्टून्स के लेखक ने स्क्विडवर्ड की आवाज़ की तुलना जैक बेनी की आवाज से की है अस्सी बम्पास का कहना है कि यह समानता ज्यादातर अनजाने में होती है सेवेंटी नाइन वॉयस एक्टिंग के दिग्गज क्लेंसी ब्राउन ने क्रस्टी क्रैब में स्पंजबॉब के बॉस मिस्टर क्रैब्स की आवाज़ दी है हिलनबर्ग ने मिस्टर क्रैब्स को सीफूड रेस्तरा रेस्तरां में अपने पूर्व मैनेजर के तौर पर तैयार किया जिसका मज़बूत मेन उच्चारण हिलनबर्ग को एक समुद्री डाकू की याद दिलाता था इक्यासी ब्राउन ने हिलनबर्ग द्वारा अपने बॉस के बारे में वर्णन सुनने के बाद थोड़ी स्कॉटिश ब्रोग के साथ चरित्र के लिए एक समुद्री डाकू आवाज़ का उपयोग करने का फ़ैसला किया बयासी ब्राउन के अनुसार उनके ऑडिशन के दौरान उनकी मिस्टर क्रैब्स की आवाज़ को ज्यादातर सुधारा गया था और उनके लिए सही आवाज़ ढूंढना चुनौतीपूर्ण नहीं था एरि मिस्टर लॉरेंस रॉकोज मॉडर्न लाइफ पर पहले भी हिलेनबर्ग से मिल चुके थे स्पंजबॉब के पायलट एपिसोड पर काम करते समय हिलेनबर्ग ने उन्हें सभी पात्रों के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया तिरासी चूंकि मुख्य कलाकारों के लिए पहले से ही अन्य आवाज़ें मिल चुकी थीं लॉरेंस ने कई छोटे पात्रों को आवाज़ देना शुरू किया इसमें फ्लैंकटन भी शामिल था जो शुरू में केवल एक एपिसोड में दिखाई देने वाला था तिरासी चवालीस मिस्टर लॉरेंस याद करते हैं कि निकलोडियन के अधिकारियों ने हिलेनबर्ग से कहा हम इसे स्टंट कास्ट कर सकते हैं आप जानते हैं हम ब्रूस विलिस से यह आवाज करवा सकते थे और स्टीव ने बस इतना कहा यह डग लॉरेंस ऐ क्या आपने इसे नहीं सुना यह चरित्र है, यह लड़का है तिरासी पचासी जब वह बोलती है तो रोबोट जैसी आवाज बनाने के लिए सीरीज के ऑडियो इंजीनियरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है छियासी टैली और मिस्टर लॉरेंस अक्सर फ्लैंकटन और कैरन के संवाद में सुधार करते हैं लॉरेंस ने 2009 में सुधार को वॉयस ओवर का अपना पसंदीदा हिस्सा कहा सत्तासी उन्होंने 2012 के एक साक्षात्कार में विस्तार से बताया मुझे हमेशा आगे पीछे होने का मज़ा आता है टैली और मैन वास्तव में एक दूसरे से बात करते हुए इतना ओवरलैप होने लगते हैं कि वॉयस डायरेक्टर को हमें बताना पड़ता है अरे ऐसा करना बंद करो जो तुम कह रहे हो उसे अलग करो कैरोलिन लॉरेंस ने सैंडी चीक्स की आवाज दी है वह लॉस एंजल्स के लॉस फेलिज में एक दोस्त के साथ थी जो स्पंजबॉब स्क्वायर पेंसल की कास्टिंग डायरेक्टर डोना ग्रिलो को जानती थी उसके दोस्त ने ग्रिलो से कहा कि लॉरेंस की एक दिलचस्प आवाज ए ग्रिलो ने उसे ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया और उसे भूमिका मिल गई अट्ठासी नवासी अमेरिकी अभिनेत्री मैरी जो कैथलेट नब्बे जो 1970 के दशक के टेलीविजन कार्यक्रमों जैसे डिफरेंट स्ट्रोक्स और एम में अपनी लाइव एक्शन भूमिकाओं के लिए जानी जाती है मिसेस पफ की आवाज प्रदान करती है पचासी दो तक मिसेस पफ की आवाज देना उनकी एकमात्र नियमित टेलीविजन भूमिका बन गई है कैटलेट ने 2013 में खुद को मूल रूप से सेवानिवृत्त बताया क्योंकि उन्हें लगता है कि मिसेस पफ की आवाज देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके प्रदर्शन की तुलना में कम तैयारी की आवश्यकता होती है इक्यानवे बानवे भूमिका के लिए ऑडिशन के दौरान एलन को पात्रों की शुरुआती ड्राइंग दिखाई गई और उन्होंने देखा कि पर्ल बाकी कलाकारों की तुलना में बहुत बड़ी थी उसने अपनी आवाज़ में चरित्र के आकार को दर्शाने का फैसला किया और इसे गहरा और पूर्ण स्वर में बनाया उसका लक्ष्य इसे भेल की कम आवाज की आवाज़ के साथ साथ बिगड़ा हुआ और प्यारा बनाना था तिरानवे आफ्टरबस टीवी के साथ एक साक्षात्कार में एलन ने कहा कि वह जानती थी कि पर्ल को कुछ हद तक एक बच्चे की तरह आवाज निकालनी थी लेकिन उसे असामान्य रूप से बड़ी आवाज की जरूरत थी नियमित कलाकारों के अलावा एपिसोड में कई व्यवसायों से अतिथि आवाजें शामिल है जिनमें अभिनेता एथलीट लेखक संगीतकार और कलाकार शामिल है आवर्ती अतिथि आवाजों में शामिल है अर्नेस्ट बोर्गनीन जिन्होंने 1999 से 2012 में अपनी मृत्यु तक मरमेड मैन की आवाज़ दी थी पचानवे टिम कॉनवे 1999 से 2019 में अपनी मृत्यु तक बारनकल बॉय की आवाज़ के रूप में छियानवे ब्रायन डॉयलमरे फ्लाइंग डचमैन के रूप में सत्तानवे और मैरियन रॉस ग्रैंडमा स्क्वायर पेंस के रूप में अट्ठानवे उल्लेखनीय अतिथि जिन्होंने मुखर कैमियो उपस्थिति प्रदान की है उनमें शामिल है डेविड बॉवी टेलीविजन फिल्म अटलांटिस स्क्वायर पेंटिस में लॉर्ड रॉयल हाइनेस के रूप में निन्यानवे एक सौ जॉन गुडमैन एक सौ एक और विक्टोरिया बेकहम ने द क्लैश ऑफ ट्राइटन एपिसोड में रानी एम्फी ट्राइट की आवाज के रूप में काम किया वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड वॉयस रिकॉर्डिंग सत्रों में हमेशा अभिनेताओं की पूरी कास्ट शामिल होती है जिसे केनी अधिक असामान्य होने के रूप में वर्णित करते हैं पैंतालीस केनी ने कहा यह एक और चीज है जिसने स्पंजबॉब को उसका विशेष एहसास दिया है हर कोई एक ही कमरे में है, पुराने रेडियो शो शैली में कर रहा है यह वह तरीका है जिससे हमें जो सामान पसंद है उसे रिकॉर्ड किया गया है पैंतालीस श्रृंखला के लेखक जेलेंडर ने कहा रिकॉर्डिंग सत्र हमेशा मजेदार होते थे 104 पहले तीन सीजन के लिए हिलनबर्ग और ड्राइमोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे और अभिनेताओं को निर्देशित किया 105 सौ एंड्रिया रोमानो चौथे सीजन में वॉयस डायरेक्टर बनीन 105 और टॉम केनी ने नैवें के दौरान भूमिका संभाली बुधवार रिकॉर्डिंग का दिन है 1999 से क्रू द्वारा उसी शेड्यूल का पालन किया जाता है 105 सौ कास्टिंग सुपरवाइज़र जेनी मोनिका एमन ने कहा मुझे बुधवार बहुत पसंद आया एक सौ पांच एनिमेशन स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंसिल के एक एपिसोड को एनिमेट करने और बनाने के लिए लगभग पचास लोग एक साथ काम करते हैं उनहत्तर अपने पूरे दौर में सीरीज़ का निर्माण कैलिफ़ोर्निया के बर्बैंक में निक्लोडियन एनिमेशन स्टूडियो में घरेलू स्तर पर संभाला गया है तैयार एनिमेशन दक्षिण कोरिया में रफ ड्राफ्ट स्टूडियो कोरिया लिमिटेड में विदेशों में संभाले जाते हैं साठ एक सौ छह कैलिफोर्निया क्रू प्रत्येक एपिसोड की स्टोरी बोर्ड बनाता है फिर इन्हें रफ ड्राफ्ट में क्रू द्वारा टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है साठ जो प्रत्येक दृश्य को हाथ से एनिमेट करते हैं कंप्यूटर पर प्रत्येक सेल को रंगते हैं और पृष्ठभूमि को पेंट करते हैं एपिसोड कैलिफोर्निया में समाप्त होते हैं जहां उन्हें संपादित किया जाता है और संगीत जोड़ा जाता है पहले सीजन के दौरान श्रृंखला ने सेल एनिमेशन का उपयोग किया बासठ अगले वर्ष डिजिटल स्याही और पेंट एनिमेशन में बदलाव किया गया था बासठ 2009 में कार्यकारी निर्माता पॉल टिब्बित ने कहा स्पंजबॉब का पहला सीजन कोशिकाओं पर पुराने ढंग से किया गया था और हर कोशिका को आंशिक रूप से रंगना पड़ा सूखने के लिए छोड़ दिया गया कुछ अन्य रंगों को रंग पड़ा यह अब भी प्रक्रिया का एक समय लेने वाला पहलू है लेकिन चीजों को करने का डिजिटल तरीका इसका मतलब है कि इसे सही करने में लंबा समय नहीं लगता है बास दो में क्रू ने पेंसिल के बजाय ड्राइंग के लिए वाकॉम सिंटिक्स का उपयोग करना शुरू किया पांचवें सीजन का एपिसोड बेस्ट ऑफ विशेष कार्यक्रमों में से एक पहला एपिसोड था जहां क्रू ने इस पद्धति को लागू किया सीरीज के बैकग्राउंड डिजाइनर केनी पिटेंगर ने कहा हम जिस तरह से अब ड्रॉ करते हैं दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 2 अगस्त 2024 हजार इसकी ऐसी रिलीजिंग डेट रहने वाली है और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और साथ ही साथ इसी के साथ इसे यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया है लेंथ मैं आपको बता ही चुका हूँ बाकी एक से रिलीज होती है तो मैं इसके एक्सप्रेशन की वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में